इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर में आज के अहम सरगर्मी अब पंचायत चुनाव के नतीजे रहे। वैसे तो सभी को मालूम है कि कोरोना चुनाव छोड़कर कहीं पर भी आ सकता है। कोरोना की यह खासियत नहीं कि चुनावी इजलास वोटिंग जीत का जश्न इसके लिए कोई मायने नहीं रखते, लिहाजा सियासी गलियारों में कोरोना को बड़ी जिल्लत उठानी पड़ रही है क्योंकि किसी को इसका डर ही नहीं। आज पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती और नतीजे बीके मॉडल स्कूल में रखे गए थे, लिहाजा सुबह से ही सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर भीड़ की थी अपने लीडर काइद की जीत का जश्न मनाने के लिए। सभी अफराद मुंतजिर थे, भले गिनती की जगह हो या आवाम की भीड़, कहीं पर भी कोरोना गाइडलाइन नजर नहीं आ रही थी। कभी कभी शक हो रहा था कि क्या ये वही बेलगाम है जहां पर कोरोना को लेकर लॉकडाउन और सैनिटाइजर सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ी सख्ती से एहतमाम किया जा रहा था। कुछ शहरों में तो अभी भी मास्क ना पहनने पर जुर्माना और गिरफ्तारी की जा रही थी। बीके मॉडल इहाते में पुलिस अफसर भी मास्क को नजरअंदाज करते दिखाई दिए, मास्क शायद ही किसी ने पहना हुआ ऐसा नजारा दिखाई दे रहा था। खैर, मौजू कोरोना नहीं है। आज पंचायत चुनाव के मद्देनजर अक्सर जीतने वाले उम्मीदवार नए थे जिनको आवाम ने जिताया। तकरीबन 55 बेलगाम ग्राम पंचायत के नतीजे आए जहां पर पुराने उम्मीदवारों की जगह नए मेम्बरान को जिताना आवाम ने पसंद किया। तमाम उम्मीदवारों के हिमायतों के लिए पार्किंग की सहूलत असद खान दरगाह इहाते में की गई थी जिसकी वजह से वहां मेले की तरह नजारा नजर आ रहा था। वाजा रहे कि असद खान दरगाह में भीड़ ईद मिलाद के वक्त रहती है या असद खान लहरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स या चिल्ला छट्टी के वक्त ही चहल पहल नजर आती है। रमजान या बकरीद के दूसरे दिन लोग यहां पर अक्सर दिखाई देते, पर आज चुनाव के नतीजे के मद्देनजर पहली मर्तबा गुलाल में डूबे चेहरों की भीड़ देखने को मिली। अक्सर यह इलाका खामोश रहता है, पर आज पंचायत चुनाव के मद्देनजर पूरा दिन भीड़ भाड़ का रहा। जीतने वाले उम्मीदवार पर गुलपोशी और गुलाल के लिए दुकानें भी सजाई गई। सवारियों की भीड़ उम्मीदवारों के हिमायती परचम थामे इंतजार कर रहे थे। जीतने वाले उम्मीदवार के हिमायती जश्न मना रहे थे तो हारने वाले आहिस्ता से अपनी जगह खाली करते दिखाई दे रहे थे। खैर, आज पूरा दिन असद खान दरगाह इहाते में सैकड़ों लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। ग्लोब थिएटर, असद खान दरगाह रोड, कैंप, तमाम रास्तों पर सवारियों की लंबी कतारें दिखाई दे रही थी। एक वाकया ऐसा भी देखने को मिला के पिछले 20 सालों से एक उम्मीदवार मुस्तकिल पंचायत चुनाव लड़ता रहा पर कामयाबी हाथ नहीं लगी, लिहाजा इस बार उसे जीत नसीब हुई। श्याम मुतगेकर नामी शख्स को जब इसके जीत की तला हासिल हुई तो इसके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कहने का मतलब, खुदा किसी की भी कोशिश को जाया नहीं करता, लिहाजा सब्र से काम लेना जरूरी है। आज दिगर शहर के खबरों में मखसूस खबर यह रही कि ब्रिटेन से जो 15 अफराद बेलगाम में आए थे इनकी स्वैब टेस्टिंग के बाद सभी नेगेटिव पाए जाने की खबर हासिल हुई। एक और वारदात आज शहर में रोनुमा हुई, वो है कत्ल की वारदात। सुधा रानी हटपद उम्र 27 जो एक खातून है सिक्योरिटी गार्ड का काम अंजाम देती थी, एक तरफा मोहब्बत की दास्तान में बाबू जगजंपी नामी कातिल को गिरफ्तार भी किया गया। इसने बेरहमी से सुधा रानी हटपत का कत्ल किया। कातिल को गिरफ्तार करने की भी इत्तला हासिल हुई। यह वारदात सुबह 8 बजे के दरमियान बीम्स अस्पताल इहाते में हुई जिससे कुछ देर तक हलचल मची रही। हासिल इत्तला के मुताबिक सुधा रानी हटपत और बाबू जगजंपी में बातचीत थी, कुछ पैसों का भी मामला होने की बात कही जा रही है, पर कुछ दिनों से बाबू से दूरी अख्तियार कर सुधा रानी ने किसी और से गुफ्तगू में मसरूफ नजर आई जिसे बाबू बर्दाश्त ना कर सका। लिहाजा आज सुबह तलवार से सुधा रानी पर हमला कर इसका कत्ल कर दिया। एपीएमसी पुलिस ने बाबू को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मामले को एपीएमसी पुलिस थाने में दर्ज किया हुआ है। पुलिस अफसर जनाब जावेद मुशापुरी मजीद जांच कर रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।